नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शशि कुमार। आप देख रहे हैं रांची क्लब 2023 में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम ये धुरवा इलाका में और ये देख रहे हैं ओल्ड विधानसभा के बगल में श्री श्री शनिदेव नवग्रह मंदिर है, जो कि हर साल की भांति इस साल भी छठ पूजा के शुभ अवसर पे शुभ पान पत्ता, माचिस, अगरबत्ती और एक सूखा आम का लकड़ी वितरण किया जा रहा है, जो कि छठ पूजा के शुभ अवसर पे यहाँ से ले जा सकते हैं। सभी भक्तजनों के लिए फ्री सेवा की जा रही है। अगर आप लोग भी आना चाहें तो आ करके श्री श्री शनि नवग्रह मंदिर से धुरवा रांची में जो कि है यहाँ से आप लोग ले जा सकते हैं। फ्री में सेवा किया जा रहा और ये नवग्रह मंदिर परिषद की ओर से हर साल की भांति इस साल भी अगरबत्ती, माचिस, एक सूप, आम का सूखा लकड़ी वितरण किया जा रहा है, जो कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे। भक्तजनों, जिन जरूरतमंद आदमी आ रहे हैं और जिनने जिन भक्तों की जरूरत है वो लेकर के जा रहे हैं। तो बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, जो मंदिर परिषद की ओर से एक सूप, पान का पत्ता, माचिस, अगरबत्ती का वितरण किया जा रहा है, ये झारखंड की राजधानी रांची में है और ये धुरवा इलाका पड़ता है। धुरवा इलाका के बगल में जो आप ये देख रहे हैं, ये ओल्ड विधानसभा के जस्ट बगल में है, जो कि आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये शनि मंदिर यानी नवग्रह शनि मंदिर है, जो कि रांची में नवग्रह शनि मंदिर बस यही है, सेक्टर 2 धुरवा रांची में। तो देखिए दोस्तों, आज 19 नवंबर 2023 है और आज का वितरण ये है। अगर हम बात करें कल यानी 20 नवंबर 2023 की, तो जो जितने भी भक्तजनों हैं, कल के सुबह में जो अर्घ देने का टाइमिंग होता है और ये जो धुरवा मछली पार्क से जो जितने भी भक्तजन लौटते हैं, उन्हें शनि देव नवग्रह मंदिर समिति की ओर से चाय वितरण का व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग भी आकर के चाय पी सकते हैं। सभी भक्तजनों को निमंत्रण है शनि मंदिर परिषद की ओर से। और ये आज का दान जो देख रहे हैं, शनि नवग्रह मंदिर परिषद की ओर से किया जा रहा है, जो कि हर धर्म में दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। खास करके दोस्तों, सनातन धर्म में भी दान का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बदले परलोक में भी कल्याण होता है। लेकिन आज के युग में दोस्तों, बदलते समय में लोगों के लिए दान का अर्थ केवल धन दान तक ही सीमित रह गया है। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, चाहे इस समय की कमी कहे या कुछ और, दान कर्म को पुण्य कर्म से जोड़ा जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही दान करने की परंपरा चली आ रही है। और खास करके दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व बताया गया है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक, और हम आपको इस विशेष टिप्पणी दान के कुछ और तर्क बताने जा रहे हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के गुण में से एक ही दानी होना, दूसरों की सहायता के लिए अपनी वस्तुओं का दान करना मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। आज के इस
वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसा ही दोहे को लेकर के आए हैं जो दान प्रथम और परोपकारम की बात है। यानी दान करना सबसे बड़ी धर्म में से एक माना जाता है दोस्तों। मित्रों, आजकल का जीवन बहुत अधिक व्यस्त एवं संकुचित होता जा रहा है, जहां व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचने लगा है। हम दूसरों की तकलीफ व आवश्यकता को बारे में अधिक विचार नहीं करते हैं और केवल अपने हित की इच्छा में हमें अंधा बना दिया है दोस्तों। इस विचारधारा के कारण हम दूसरों की मदद करने से हमेशा कतराते हैं, यानी कि दोस्तों हम लोग पीछे हट जाते हैं और किसी दूसरों की मदद और हेल्प नहीं करते हैं। शास्त्रों में दान का मानवता के लिए आवश्यक बताया गया है कि किंतु हम इसे को भूले जा रहे हैं। दान को बहुत आवश्यक बताया गया है हमारे जीवन में, लेकिन हम लोग दान के बारे में भूले जा रहे हैं आजकल के डिजिटल युग के कारण। यही कोशिश है कि हम पुरजनों द्वारा दी गई इस सिख को वापस से अपने जीवन में शामिल कर सकें। तो दोस्तों, पुरुषता के बल पर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का समाज में आदर होता है, किंतु जो श्रम ना कर परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेक देता है, वे दूसरे के सामने हाथ फैला देता है। ऐसे मनुष्य का आत्मसम्मान मर चुका होता है। किंतु रहमान के अनुसार याचना करने वालों से भी अधिक नीचे कुछ व्यक्ति है। आइए जाने रहमान ने किन व्यक्तियों की बात की है। प्रस्तुत दोहे में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के कुछ मांगते अथवा याचना करते हैं, ऐसे व्यक्ति मृत के समान है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का आत्मसम्मान, इच्छा शक्ति और अंतर आत्मा मर चुकी होती है। किंतु ऐसे व्यक्तियों से पहले वह व्यक्ति मृत हो जाता है जिनके मुख से याचना करने वाले के लिए नहीं निकलता है। अर्थात जो दान करने के इच्छुक नहीं होते हैं। रहमान ने दोनों ही स्थिति को मनुष्य के लिए लज्जा के विषय बताया है, किंतु दान देने से मन मना कर देने वाले व्यक्ति से अधिक हाय और कोई नहीं है। परोपकार ना करना मित होने के समान बताया गया है। तो और हम इसमें बता देना चाहते हैं दोस्तों कि महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह दोहा दान करने से डरने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। दान करना परमात्मा का कार्य है जो मनुष्य ये सभी गुणों और अधिक श्रेष्ठ बनाता है। दान करने से धन कम होता है, इस विचार को गलत बताते हुए कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी से पंछी के पानी पी लेने से नदी का पानी कम नहीं होता। दोस्तों, हमारे तुलसीदास जी ने बहुत ही बड़ी बातें कही है बस एक लाइन में, जो कि हमारे तुलसी जी ने कहे हैं कि नदी से पंछी
के पानी पीने लेने से नदी का पानी कभी कम नहीं होती है। केवल पक्षी ही नहीं बल्कि जानवर व मनुष्य प्रतिदिन नदी से पानी लेता है, पर क्या कभी नदी का पानी कम होता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार तुलसी जी कहते हैं कि दान देने से मनुष्य का धन घटता नहीं है। दान करना परोपकार का काम है, जिससे व्यक्ति ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अर्थात दानी व्यक्ति से सदा ईश्वर प्रसन्न रहते हैं एवं उनकी झोली सदा धन से भरा हुआ रहता है। प्रस्तुत दोहे में यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों के कुछ देने से यह पहले यह नहीं सोचना चाहिए कि इस वस्तु के दान से हमारे पास वस्तु कम हो जाएगी। सच्चे मन से किए गए दान बड़ी तपस्या के फल के समान होता है। अतः मनुष्य को स्वयं परोपकार हेतु दान करना चाहिए। व्यक्ति को आप अपने लिए कभी याचना नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि बात दूसरों के हित की हो तो व्यक्ति को 100 बार भी हाथ फैलाना पड़े जाए तब भी वह पुण्य का भागी बनता है। इस संदेश को प्रतिपादित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा, किंतु अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी से भी कुछ नहीं मांगूंगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास सहायता करते रहें और दान प्रक्रिया जारी रखें। जय हिंद।